जरूरी है। खबर बताते हैं आपको क्या है। यूपी के बिजनौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल कहा जाता है कि मुठभेड़ के दौरान 2.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने बदमाश आदित्य राणा को भी ढेर कर दिया है, ये जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ के दौरान 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ये कहा जाता है कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान 5 पुलिसकर्मी हालांकि घायल हुए हैं, लेकिन ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं। और आपको बता रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने बदमाश आदित्य राणा को ढेर कर दिया है। और ये कहा जाता है कि जब मुठभेड़ हो रही थी तो 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी है। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपये का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए निरंतर